लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के सातवें चरण के नामांकन की प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करके तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में GDA उपाध्यक्ष अमित सिंह बंसल, CDO अनुज सिंह, ADM सिटी RK श्रीवास्तव, ADM फाइनेंस विधान जायसवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के पश्चात गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया कि सातवें चरण के लिए 22 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 29 अप्रैल तक चलेगा। 30 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जाँच तथा 2 मई को प्रत्याशी नाम वापसी कर सकते हैं। मतदान 19 मई को और मतगणना 23 मई को की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का नामांकन DM कोर्ट में तथा बांसगांव लोकसभा का नामांकन ADM वित्त व राजस्व के कोर्ट में किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया। ब्यौरा ले रहे हैं, सेवन्थ फेज में है। 22 तारीख से 22 अप्रैल से नामांकन चालू है, कल सवेरे 11 बजे से चालू हो जाएगा। ये नामांकन प्रक्रिया 29 तक चलेगा, उसके बाद हम लोग एक दिन का स्क्रूटनी है, उसके बाद विद्रावल है, यानी 2 तारीख तक ये फाइनल होने का प्रक्रिया है। 2 मई के बाद फिर प्रचार चालू होगा और 19 का चुनाव है, उसी का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उस पर पूरा शांतिपूर्वक होगा, मतदान अच्छा से होगा, उसी का प्रयास। मेरा कोर्ट पे जो कोर्ट नंबर 1 है, DM कोर्ट पे गोरखपुर में होगा, फिर ADM वित्त एवं राजस्व कोर्ट में, जो बांसगांव का नामांकन का प्रक्रिया कल सुबह 11 बजे से होगा। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी के साथ और 4 लोग आ सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग तक आ सकते हैं। वो गेट के बाहर से, ताकि 100 मीटर का अंदर है इसलिए तो पैदल आना होता है, आकर के आपका नामांकन शाम को 3 बजे तक दे सकते हैं।